मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ एक हथियार तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हथियार तस्कर के पास से एक देसी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 मैगजीन किया बरामद। गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने की यह कार्रवाई। दरअसल मुंगेर के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर के पास से एक देसी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 मैगजीन बरामद किया है। वहीं इस मामले में मुफस्सिल थाना के अपर थाना अध्यक्ष साकेत कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर ब्लॉक 3 बटिया के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार का खरीद बिक्री कर रहा है, जिसके बाद उक्त सूचना के सत्यापन हेतु अपर थाना अध्यक्ष के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ उक्त स्थान पर पहुँचे तो पुलिस वाहन को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद शमशाद बताया, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुबारक चक का रहने वाला है। वहीं पकड़ाए व्यक्ति की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक अर्धनिर्मित देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 बैरल एवं 2 बट प्लेट बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। हम तो सुने ना, आधा घंटा और समय दीजिए, काहे कि हम डायरी वो लेते आते हैं, ठीक ना? 57 वाला मौसम भाभी ने देखती है, क्या बोलना है बोलिए। बजल दे रोहित छोड़ो। आज सुबह में सदर ब्लॉक 3 बटिया के पास एक व्यक्ति मोहम्मद शमशाद, पिता अबुल हसन, मुबारक चक के रहने वाला है, उसके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 बैरल और पिस्टल का बट बरामद किया गया है। उसे गिरफ्तार कर कांड दर्ज छेड़ाछेड़ी में कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कोई आपराधिक इतिहास भी सर सकते हैं? आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। ये कोई लेके जा रहा है या फिर डिलीवरी ऐसा कुछ या निर्माता? सूचना मिली थी कि ये बिक्री और खरीद बिक्री का काम करता था। थैंक यू।